समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। सोशल मीडिया पर लिखा प्राप्त हुआ निमंत्रण। अखिलेश ने कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे। समारोह के सकुशल संपन्न होने की शुभकामनाएं दी। अखिलेश ने शुक्रवार को कहा था कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। उसके बाद बीएचपी ने स्पीड पोस्ट के जरिए निमंत्रण भेजने की पर्ची सोशल मीडिया पर शेयर की। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी मिला है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता। बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और नृपेंद्र मिश्रा ने दिया निमंत्रण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिला। आलोक कुमार और नृपेंद्र मिश्रा ने सौंपा निमंत्रण पत्र। आज फिर अयोध्या दौरे पर जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज से पूरे यूपी में सफाई का बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ग्राम प्रधानों को सौंपा गया टास्क। पीएम मोदी के आह्वान के बाद आज से देशभर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत। बीजेपी नेता पूरे देश में सफाई अभियान के हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में स्वच्छता अभियान की करेंगे शुरुआत। सुबह 11 बजे दिल्ली के करोल बाग में गुरु रविदास मंदिर में शुरू होगा अभियान। पीएम मोदी के आह्वान के बाद आज से देशभर के करीब 5,00,000 मंदिरों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत होगी। इन्हीं मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण भक्तों को दिखाया जाएगा। कांग्रेस नेता मनीष शंकर अय्यर का अयोध्या को लेकर पीएम मोदी पर हमला, कहा कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित करने का प्रयास मोदी को नुकसान पहुंचाएगा। मनीष शंकर अय्यर ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 4 शंकराचार्यों के शामिल होने से इनकार किए जाने का हवाला दिया। कहा कि महंगा साबित होगा। असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा का कांग्रेस नेताओं के कार्यक्रम में नहीं आने पर तंज। कहा कि रामलला के सामने नहीं, बाबर के सामने सिर झुकाएगी कांग्रेस। मंदिर के विरोध में नहीं है विपक्ष, चुनावी लाभ के लिए बीजेपी कर रही है राजनीति, शरद पवार का बयान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान। कहा कि संविधान में भी राम मंदिर का जिक्र, जो लोग राम को नहीं मानते हैं वो संविधान निर्माताओं का भी अपमान कर रहे हैं। गिरिराज सिंह का सोनिया खड़गे पर अटैक, सनातन विरोधी है कांग्रेस, ट्रस्ट के निमंत्रण के बावजूद नहीं रहे हैं शामिल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में भव्य प्रोग्राम, बड़ी छावनी में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल गेस्ट को मिलेगा स्पेशल गिफ्ट, नींव की खुदाई के वक्त मिली मिट्टी दी जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट और सरकारी अधिकारियों के बीच बैठक, सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मिला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता, तस्वीर आई सामने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मणिपुर से करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत। 15 राज्यों से होकर गुजरे की यात्रा। बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़ी है मुद्दे उठाए जाएंगे। राहुल गांधी मार्च के तीसरे हफ्ते में मुंबई में यात्रा को समाप्त करेंगे। कांग्रेस की न्याय यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है, यह पार्टी की वैचारिक यात्रा है, जयराम रमेश का बयान। इंडिया अलायंस की बैठक में फैसला, 2 नए पद बनाए गए हैं खड़गे गठबंधन के चेयरपर्सन। गठबंधन में संयोजक पद को लेकर चर्चा जारी, ममता सहमत हुई तो नीतीश कुमार बन सकते हैं संयोजक। बैठक में कांग्रेस ने दिया फॉर्मूला, ओबीसी क्लास से किसी को बनाया जाए गठबंधन का संयोजक। संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार ने लालू यादव के नाम का प्रस्ताव दिया, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में राहुल और खड़गे से मिले सीएम केजरीवाल, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर का करारा जवाब, कहा कि जंग और व्यापार साथ पॉसिबल नहीं। जयशंकर ने दुनिया के लिए भारत को बताया अहम, बोले कि बिना हमसे पूछे दुनिया नहीं लेती फैसला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी का 4th समन जारी, 18 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फिर भेजा समन, 16 से 20 जनवरी के बीच आने के लिए कहा। बिहार में 96,000 से ज्यादा शिक्षकों को बांटे गए नियुक्ति पत्र, पहले चरण में 1,20,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, सड़कों पर विजिबिलिटी कम। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। देश में कई जगहों पर धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्यौहार, झूमते गाते दिखे लोग। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मैच आज, इंदौर में दोनों टीमें आमने सामने, शाम को 7 बजे मुकाबला। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का बयान, आने वाले कुछ सालों में निभाऊंगा मेंटोर की भूमिका। रणजी मैच में इंजर्ड हुए प्रसिद्ध कृष्णा, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम से बाहर।